राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मतदान से पहले प्रतीक्षा करते हुए और दिल्ली में आज 17 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। कई नेताओं की हमने इससे पहले तस्वीरें देखी जो अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना वोट डाला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट डाला, साथ ही अलग अलग पार्टियों के नेता भी अपना अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में 672 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 11 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जाते हुए और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी के इंतजार में। राष्ट्रपति भवन में बनाए गए एक मतदान केंद्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान से पहले की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति के साथ उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर मतदाताओं में उत्साह लगातार देखा जा रहा है। सुबह से ही जब से मतदान शुरू हुआ है 8 बजे से लेकर मतदाता लंबी लंबी कतारों में अपने मत का इस्तेमाल करने के इंतजार में और लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि पिछले वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड इस बार जरूर टूटेगा। दिल्ली में जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से हुई है, चुनाव आयोग ने लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया, नए मतदाताओं को वोट के अधिकार से जोड़ने के साथ साथ उन्हें जागरूक किया और खास तौर पर जो युवा मतदाता हैं वो अपने मत के इस्तेमाल से इस बार जरूर उम्मीद की जा रही है कि पुराना जो मत प्रतिशत है वो उसका रिकॉर्ड टूटेगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए